हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय। सबसे पहले हमने ये एक कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। हम दो कप चाय बना रहे हैं, थोड़ा सा एक उठ ये पानी जलने के लिए, उबलते वक्त जल जाता है थोड़ा पानी। ठीक है, और फ्लेम को अब फुल कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे एक इलायची, देखो इसे, और थोड़ी सी अदरक कूट के, थोड़ी सी लौंग, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सारी चीजें डाल के हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अब हमारा पानी देखो उबलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती, आधे चम्मच चाय पत्ती डाली हमने। देखो अब हमारी चाय पत्ती बिल्कुल अच्छे से उबल गई है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, ये दो चम्मच के करीब गुड़ है। अब ये डालेंगे और गुड़ को अच्छे से इसमें उबालना है ताकि ये पिघल जाए बिल्कुल अच्छे से। अब देखो गुड़ हमारा अच्छे से बिल्कुल पिघल गया है। अब हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें इसको छान लेते हैं। अब हमने ये दूध गर्म कर लिया था। दूध गर्म करने से ये है कि अगर हम इसमें ठंडा दूध डालेंगे तो हमारी चाय ठंडी हो जाती है। मैंने इस दूध को गर्म कर लिया था। अब हम इसमें दूध डालेंगे ताकि हमारी चाय भी ठंडी नहीं हो और हमारी चाय भी बिल्कुल रेडी हो जाए अच्छे से। देखो और इससे दूध फटता नहीं है। हाँ, इससे दूध भी नहीं फटेगा, वरना गुड़ वाली चाय में दूध फट जाता है। देखिए अब हमारी चाय बन चुकी है। तो इस तरीके से बनाने से ना गुड़ की चाय कभी भी फटेगी नहीं, वरना गुड़ की चाय फट जाती है हमेशा, ना ही ठंडी होगी। हाँ, और ठंडी भी नहीं होगी। जिन लोगों को बिल्कुल गर्म चाय पीनी पसंद है उनके लिए बिल्कुल बेस्ट तरीका है चाय बनाने का। तो अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर